है गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ Xiaomi के Redmi 8 स्मार्टफोन को। तो कैसा है इस फोन का परफॉर्मेंस और कैमरा दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष कुमार और आप सब देख रहे हैं अपना सेंटीमेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पर करना मत भूलिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं अभी तक मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है जो कि आपके सामने है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसे कट, फिर देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली इसे हमने कर लिया है कट। अब करते हैं इसे बाहर, ये है इसका इनवॉइस, और देखते हैं अंदर क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये है इसका बॉक्स। यहाँ पर इसके फ्रंट साइड में दिया गया है इस फोन का स्टोरेज वेरिएंट, और ऊपर के साइड में दी गई है MIUI ब्रांडिंग। साथ में आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा इस फोन का मॉडल नेम, और बैक साइड में आपको इस फोन की डिटेल्स, प्रोसेसर, बैटरी, ग्लास और कैमरा। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी जल्दी से कट और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये हो गया है कट और जल्दी से कर लेते हैं इसे ओपन। तो ये है हमारा स्मार्टफोन, करते हैं इसको साइड में और देखते हैं इसके साथ में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके साथ में हमें मिल जाता है टाइप सी का एक डाटा केबल, और साथ में दिया गया है 15 वाट का एक एडेप्टर इस फोन को चार्ज करने के लिए, और साथ में दिया गया है सिम इजेक्टर, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का देखने में लग रहा है। इन सब के बाद हम देखते हैं इस फोन के डिजाइन और लुक की। तो ये हमारा फोन, इसके राइट साइड में दिया गया है सिम एंड मेमोरी फॉर्म, और इसके बैक साइड में दिया गया है 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर, और कैमरे के ऊपर के साइड में दिया गया है LED फ्लैश नाइट में फोटो शूट के लिए, और इस फोन के साइड में दिया गया है सेंसर जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेस को बैठे बैठे ही घर में कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके फ्रंट साइड में दिया गया है सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है। साथ में इस फोन के नीचे के साइड में दिया गया है स्पीकर, और ये है इसका टाइप सी का चार्जिंग जैक, और यहाँ पर दिया गया है 3.5 mm का ईयरफोन जैक। तो फिर जल्दी से कर लेते हैं इस फोन को ऑन और कर देते हैं रिमूव इसके स्टिकर को। ये हो रहा है हमारा फोन ऑन, तब तक देखते हैं इसके डिजाइन को। तो फाइनली दोस्तों हो गया है हमारा फोन ऑन, और कर लेते हैं इस फोन में सिक्योरिटी सेटअप। अब हम कर लेते हैं ऐड फिंगरप्रिंट को। तो हो गया है हमारा ऐड फिंगरप्रिंट इस स्मार्टफोन में, फिंगरप्रिंट ऐड, और सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं इस फोन से चाइनीज ऐप को जो हमें यूज नहीं करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोन के फिंगरप्रिंट को कितना फास्ट दिया गया है। तो आप सब देख सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को जो कि काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, काफ़ी फास्ट तो नहीं लेकिन नॉर्मली ठीक ठाक ही दिया गया है।
तो चलिए देख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इस फोन के फेस अनलॉक को। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इसका फेस अनलॉक काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, जो कि बहुत ही फास्ट दिया गया है। स्क्रीन ऑन करने पर तुरंत अनलॉक हो जा रहा है। वही बात करें इसके कैमरे की तो रियर साइड में 12+2 मेगापिक्सल का दो कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके कुछ सैंपल मैंने क्लिक किए हैं जिसे आप देख सकते हैं इसी स्मार्टफोन से। यह है उसके इसके कुछ सैंपल। और यह है इसके फ्रंट कैमरे से क्लिक की गई कुछ फोटोज, जो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है फ्रंट कैमरा। काफ़ी अच्छा तो नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक ही दिया गया है, जिसे आप सब देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।